को जेल भेजो, पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत। अभी हम लोग दिल्ली जंतर मंतर में हैं और हम लोग यहाँ पे आदिवासी अगुआ से बात करेंगे, कहे कि यहाँ पे किन किन मुद्दों पे लोग विरोध करने आए हैं। आज जो आप लोग आए हैं किन किन मुद्दों पे विरोध कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग पूरे देश के आदिवासियों को लेकर के हम लोग आज जंतर मंतर नई दिल्ली में आए हैं और ये आदिवासी समिति के तत्वाधान में आज जंतर मंतर में आज हम लोग बैठे हैं। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार सामान्य सिविल कोड UCC जो लाया जा रहा है, उसे UCC लाने से जो हमारा पांचवी अनुसूची का जो संविधान में दिए गए अधिकार जो 244A(b) और छठी अनुसूची, साथ ही साथ हमारा पेशा कानून में ग्राम सभा की शक्तियां, समता जजमेंट और स्थानीय स्तर पर जमीन का जो कानून है वो एक साथ डिमोलिश होगा और साथ ही हमारी धर्म और संस्कृति के साथ साथ जो हमारा शादी विवाह का परंपरा है, मतलब प्रथागत जो कानून है, तलाक का सिस्टम, जो हमारी अपनी परंपरा का सिस्टम है, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम इसका विरोध करने चाहते हैं और जानबूझ करके पूरे देश के आदिवासियों को UCC कानून लाकर थोपी जा रही है, जिसे ये बात को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात है सर, जिस हिसाब से हम लोग देखते हुए आए हैं, काहे कि मीडिया में बोला जा रहा है, TV मीडिया में बोला जा रहा है कि UCC से महिलाओं को सम्मान मिलेगा, तो आप लोग महिलाओं के सम्मान के खिलाफ काम कर रहे हैं? नहीं, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान हम आदिवासियों को, महिलाओं को सबसे ज़्यादा हम लोग देते हैं। जब बेटी पैदा होती है तो हम लोग दहेज नहीं मांगते हैं, खुश हैं हम लोग। देखिए, ये पूरे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे कि अब UCC के साथ साथ हमारे माथे पर पेशाब किए जा रहे हैं और मणिपुर में जो इन्वेस्ट करके घुमाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के आदिवासियों के जमीन को छीनने के लिए, जमीन को हड़पने के लिए काम किया जा रहा है। एक तरफ हम आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ संसद में ला करके वन अधिकार कानून का संशोधन करके ग्राम सभा की शक्ति जो बहाल करना था उसको आपने समाप्त कर दिया, तो कहीं ना कहीं आदिवासी को आप देखना नहीं चाहते हैं। बताइए भाई, हम आदिवासी देश के मालिक हैं, हम धान का उत्पत्ति किए, हम मनुष्य का उत्पत्ति किए, सभी चीज़ों को ब्राह्मण का उत्पत्ति किए, लेकिन आज सबसे ज़्यादा आदिवासी हाशिए पर है। तो इसी जन मुद्दों को लेकर के पूरे देश के आदिवासी आज विरोध करने के लिए हम लोग जंतर मंतर में आए हैं। और जो अभी विभिन्न प्रकारों से आप लोग विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो नेता है, आपका जो विधायक है, आपका बहुत सारे झारखंड के विधायक भी है, आप देश में बहुत सारे आदिवासी विधायक भी है, संसद भी है, उन सभी आपका पीछे दिखाई नहीं देता है, क्या कारण है? देखिए, जो भी आदिवासी बने हैं वो आदिवासी नहीं है, वो भाजपा का आदिवासी है, कोई कांग्रेस का आदिवासी है या अन्य दल के आदिवासी हैं, वो पार्टी लाइन पर बोलता है, लेकिन ऐसे लोगों को भी हम समाज के लोग चिन्हित करेंगे और कहीं ना कहीं आने वाला सब आंदोलन तेज होगा तो हम समझते हैं कि उनके जवाब मांगेंगे और घर में भी चढ़ेंगे और कहेंगे कि आप अपनी जो समाज के हितों की बातों को क्यों नहीं रखते हैं, इस बात को भी रखेंगे। हाँ, ये आपने सही कहा, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आदिवासी विधायक मंत्री हैं चुप्पी साधे हुए हैं, इनको वोट यदि आने वाला समय में 2024 में वोट होगी तो जो आदिवासी समाज अपने समाज के हित की बात नहीं करते हैं तो उसी का भी विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि आदिवासी पीछे हट जाती है, तो इसीलिए तो हम लोग आज जो है टूअर जैसे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आज समाज के लोग आए हुए हैं और हम लोग ये अभियान सरकार के विरोध में भी चलाएंगे और जो हमारे जो आदिवासी समाज के विधायक मंत्री हैं जो जयचंद्र के रूप में काम कर रहे हैं उनका भी हम लोग विरोध करेंगे। बिल्कुल, आगे भी हम लोग बात करेंगे, काहे कि इस प्रकार का बातें बहुत ज़्यादा आती है। तो ये वन अधिकार अधिनियम जो आ रही है अभी वर्तमान में, इस वर्तमान अधिनियम को क्या क्या आदिवासियों को क्या दिक्कत होगा, इसमें भी आपको प्रकाश डालना जरूरी है, काहे कि लोगों बहुत सुन रहे हैं यहाँ से। देखिए, वन अधिकार कानून पहले आदिवासियों का अधिकार था, ग्राम सभा की शक्तियाँ था, जो भी अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाता तो ग्राम सभा के परमिशन लेकर के, तो जानबूझ करके ग्राम सभा की परमिशन को हटा दिया गया, क्योंकि देखिए ये सरकार जो चल रही है पूंजीपतियों की, कॉरपोरेट घरानों की चल रही है और जानबूझ करके देखा कि कॉरपोरेट को हम जमीन नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्यों ना आदिवासी के संवैधानिक अधिकार ग्राम सभा की शक्ति को ही हटा दो, तो ये कहीं ना कहीं जो है पूरे कॉरपोरेट घराने, पूंजीपतियों और अडानी के जो है सपोर्ट में ये लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए अभी सभी चीज़ों से हमको संघर्ष करना है। आदिवासी समाज को आज सांकेतिक के रूप में आज लाए थे, आने वाला समय में बड़ा उलगुलान पूरे देश को देखने को मिलेगा। परिचय दे, आदिवासी जनपरिषद अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा और संयोजक आदिवासी समन्वय समिति। चलो, आगे भी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग है हमारे मुंडा समाज से हैं जो कि आदिवासी से या झारखंड रांची से, जो आप लोग जो अभी यहाँ विरोध कर रहे हैं,
यूसीसी से महिलाओं को सम्मान मिलता है, तो उस सम्मान को ठेस क्यों पहुंचा रहे आप लोग? देखिए, ये केंद्र सरकार का जो 24 का फार्मूला है वो मोनोपोलोसी दे रहा है, हम लोग को गुमराह कर रहा है कि महिलाओं के हम सम्मान करते हैं और यूसीसी लाएगा तो उसका आधा जो आरक्षण होगा ये होगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे। इतना पहले से घोषणा करते हुए काला धन ये सब बहुत तरह का उसका बात आया और ये चला गया। ये 24 का उनका एक फार्मूला है और वही प्रचार करने के लिए ये तरह तरह का ये सब कर रहे हैं, और ये यूसीसी अगर वो लाते हैं तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। देश में यूसीसी आना चाहिए, एक राष्ट्र एक कानून बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो आप यूसीसी का विरोध कर रहे हैं? देखिए, यहाँ धर्म निरपेक्ष है, यहाँ सभी समाज के लोग अपने अपने तरीके से रहते हैं और अपना त्यौहार और रीति रिवाज से मनाते हैं, और एक राष्ट्र और एक देश कानून ये बना देंगे तो इससे होगा फिर ब्राह्मणी राज हो जाएगा, 1% का राज हो जाएगा। इसमें नेपाल में भी था एक देश एक कानून, लेकिन वो कहाँ चला, फिर तो वही धर्म आ गया। तो ये क्या चीज कर रहे हैं हम लोग नहीं जानते हैं, 18 साल पहले वो वहाँ था अब फिर आ गया, ये सब जिस सम्मान में आ गया तो ये गलत है। और ये 24 का फार्मूला है, वो सोच रहे कि फिर सत्ता में हम आएंगे तो अब नहीं आने वाले हैं, हम लोग पूरा विरोध करेंगे यूसीसी का। और ये जो वन संशोधन बिल जो ला रहे हैं, ये आदिवासी कहाँ जाएंगे, जंगल का वो राजा है, जंगल बचा के जन्म से ही वो रखा हुआ है, और उनको हटाएंगे पुनः पूंजीपतियों को दे रहे हैं। ये हम लोग बुड़बक नहीं है, अब हम लोग चलाक हो गए हैं, और इसको अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और मणिपुर में अभी तक घटना हो रहा है, उनमें एकदम शांति बहाल रखे, नहीं तो आने वाला में हम लोग रोड पर आएंगे। हम तो हमेशा पूछेंगे, काहे कि हम इसलिए पूछेंगे, काहे कि लोग वोट दे के आदिवासी विधायक बनाते हैं, लोग वोट दे के आदिवासी संसद बनाते हैं, तो आपका आदिवासी संसद और विधायक यहाँ पे ना के बराबर है, आप क्या बोलेंगे? वो गुलाम है, वो पार्टी का गुलाम है, वो चाहते हैं कि अगर हम विरोध करते हैं तो मेरा कुर्सी छीन लेगा। अरे आज नहीं कल तो छीना जाएगा उसको, और वो आएंगे ना तो हम लोग उनको रहने नहीं देंगे, भगाएंगे उनको कि जब वहाँ थे तो कुछ नहीं बोल रहे थे, अब जब वहाँ से भगा दिया कुर्सी था तो अब यहाँ आ रहे हैं, यहाँ भी वो जाएंगे और वहाँ भी जाएंगे। अभी सोच रहे हैं कि मेरा कुर्सी हिपा जाता है, वो कुर्सी उनका भी नहीं रहेगा। परिचय दे दीजिए। प्रकाश मुंडा, आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय महासचिव। तो इसी के साथ आगे भी हम लोग बात करेंगे, जो कि है सामाजिक अगुवा है, और ये जो आप विभिन्न प्रकार का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं, जंतर मंतर में आज जो बातें चल रही है, और आप लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, चाहे आप लोगों को बन रहा है, और इसको लेके क्या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली से आप? देखिए, यूसीसी आने से अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, वर्तमान में 47 सांसद है जो आदिवासी समाज के हैं, और 450 लगभग विधायक हैं। ये विधायक का पत्ते काट जाएंगे, जैसे यूसीसी आएगी तो हमारी जो आरक्षण है व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। हमारी आरक्षण व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए मुखिया में एकल पद, सरपंच में, आपका जिला पार्षद में, ये सारे सुविधा समाप्त हो जाएगी। समान नागरिक संहिता जब आ जाएगी तो कोई भी उम्मीदवार वहाँ से मैंने चुनाव लड़ेंगे और आ जाएंगे। तो अभी हमारे समाज के जो मैंने सांसद विधायक हैं उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उन लोगों को भी विधायक पद से सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए, हम लोगों के साथ आना चाहिए, यदि सच्चाई समाजदार का ईमानदार व्यक्ति हैं तो। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये समाज के ईमानदार व्यक्ति हैं, ये लोग सत्ता के गुलामी करते हैं, पार्टी के गुलामी करते हैं। अभी आप लोगों ने देखे हैं सबको, यहाँ की जो हमारे देश की सरकार, भारत देश की केंद्र की जो सरकारें हैं, बीजेपी के सरकारें जो है, सब चीज में देख रहे हैं, रेल को भी कारपोरेटर घरानों में बेचे,
आपका शिक्षा विभाग को भी कारपोरेटर घरानों में बेचने जा रहे हैं, आपकी स्वास्थ्य को भी कारपोरेट घरानों में बेचने जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारी जो जल जंगल खनिज संपदा है, जमीन संपदा है, इसको भी कारपोरेटर घरानों में बेचने की साजिश है। इसलिए यूसीसी लाने जा रही है और यूसीसी में हम लोग विरोध नहीं कर पाएंगे, हम लोग कोर्ट कचहरी भी नहीं जा पाएंगे। उल्टा हम लोगों को अभी यूसीसी आया नहीं है और हम लोग अपना हक अधिकार के लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोगों को उग्रवादी बोला जाता है। यदि देश में यूसीसी कानून लागू हो जाएगी तो हम लोगों को और कड़ा से कड़ा सजा देंगे। इसलिए हम लोग अभी नहीं आया है, इसलिए हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, सड़क से सदन से तक पहुंच इस मुखी माने ये आंदोलन को पहुंचाएंगे। जैसे आप लोगों आपने बताया जो यूसीसी आने से, चाहे अभी वर्तमान में केंद्र सरकार बोल रही है जो हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, आप लोगों ने देखा विगत दो दिन पहले यहाँ की देश की सेविका सहायिका आशा कार्यकर्ती लोग और ये क्या कहते हैं उसको सहिया लोग सभी महिलाएं हैं, तो इन लोग को यदि आरक्षण वाकई में देना है तो इन लोग को समान वेतन लागू करें। देखते हैं कितना ये शक्ति में पानी में बात। परिचय दीजिए। मेरा नाम सावन सिंह मुंडा है, आदिवासी जनपरिषद जिला है। इसी के साथ हम लोग जंतर मंतर से हैं और इस वीडियो में बने रहिए। पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।